कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, इफ डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x² + 2x + 3 अपॉन x^4 + 2x³ + 3x² + 2x + 2 एंड वाई की वैल्यू दी हुई है y-1 = दिया हुआ है -π/4। देन y इज इक्वल टू 0 हमको फाइंड करना है, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू फाइंड करेंगे उसमें y की जगह पे -1 पुट करें तो ये आंसर हमको मिलना चाहिए। एंड तब वो जो मिला उसमें y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलता है वो हमको चेक करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो ये वाला जो सिम इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2x² + 2x + 3 अपॉन x^4 + 2x³ + 2x 3x² + 2x + 2। dx को सामने की साइड भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू हो जाएगा 2x² + 2x + 3 अपॉन, इसको फैक्टराइज करेंगे, इसका एक फैक्टर ले लेते हैं x² + 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे लिए, तो डिवीजन मेथड 10th स्टैंडर्ड x^4 + 2x³ + 3x² + 2x + 2। x² + 1 एक फैक्टर है तो x² यहाँ पे x^4 करने के लिए x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हो जाएगा x^4 एंड ये हो जाएगा x² माइनस माइनस ये हो जाएगा कैंसल 2x³ वैसे का वैसा, 3x² - x² यानी कि +2x², इसको 2x² करने के लिए 2x³ करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x से, 2x·x² यानी कि 2x³ + 2x·1 यानी कि 2x, माइनस माइनस ये दोनों हो गए कैंसिल, 2x³ वैसे का वैसा, -2x + 2x, तो दोनों हो गए कैंसल, बचा क्या +2। चलिए यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x² बचा यानी कि x से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2 × x² यानी कि 2x² + 2, माइनस माइनस हो गया 0 यानी कि दो फैक्टर इसके मिल गए अपने को, x² + 2x + 2 इसका दूसरा फैक्टर हो गया। डी एक्स हमने लिया था सामने की साइड तो ये इंटीग्रेशन पार्ट हो गया अपना, दोनों साइड ले लिया इंटीग्रेशन, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 1/x² + 2x + 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx। ये देखिए इसको सिंपलीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये हमको वापस मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन dy वैसे का वैसा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपलीफाई करने के लिए 1/x² + 2x, ये जो 2 है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 + 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x² + 1² dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1y क्या हो जाएगा, dy y हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये किसकी फॉर्मूला बनी, इंटीग्रेशन 1/, ये फॉर्मूला है x + 1 के स्क्वायर + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x² + 1² dx।
तो ये फॉर्मूला बनी 1 अपॉन x + x² + a² की। तो उसका आंसर होता है टेन इनवर्स x अपॉन a, x की जगह पे है x+1, तो आ जाएगा x+1/1, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा x/1, यानी कि टेन इनवर्स मिलेगा x+c। अभी दिया हुआ है कि इसके ऊपर से जो हमने इंटीग्रेशन किया तो उसका आंसर हमको ये मिलना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। चलिए y की जगह पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। y = हम पुट करेंगे x की जगह पे -1। यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा 0, 0 की वैल्यू तो होती नहीं है। टेन इनवर्स ये मिलेगा -1, 10 में माइनस आ जाता है बाहर, यानी कि -10 इनवर्स 1। 10 इनवर्स 1 होता है π/4 पे, यानी कि मिल गया -π/4, यानी कि ये प्रूव करना था तो हो गया। अब बारी आती है अपना फाइनल आंसर, यानी कि y की जगह पे पुट करना है x की जगह पे 0। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो मिलेगा 10 इनवर्स 1 + 10 इनवर्स 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। 10 इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, ये तो लिखा π/4 पे, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा π/4, यानी कि हो जाएगा सेकेंड जो हमको पूछा गया था।